इंस्टाग्राम रील्स को थैंक यू बोलने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो चाहे यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। और शायद ये जो मेरा ऊपर वाला रूम है ना, ये भी बिल्कुल पहले की तरह उबड़ खाबड़ सा होता, इसको भी डेकोरेट मैं नहीं करता, केवल आप लोगों की वजह से मैं सब कुछ कर पाया हूँ। क्योंकि आज की वीडियो को बनाने का मकसद ना मेरा ये नहीं है कि इंस्टाग्राम रील्स ने मुझको कोई गिफ्ट भेजा या फिर एकदम से मेरे पास अचीवमेंट भेज दी है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही है, जो लोग मुझको इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, भाई हमारी रील्स वायरल नहीं हो रही है, अब हम रील्स बनाना छोड़ रहे हैं, तो आज की अगर ये वीडियो आपने पूरी लास्ट तक देख ली, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा तो शायद आप कभी भी जिंदगी में आपके दिमाग में ये विचार नहीं आएगा कि हम इंस्टाग्राम रील्स बनाना छोड़ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूं। अगर कोई मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो शायद उसको ये बात पता है कि आज से पहले मैं टिकटॉक के बारे में बताता था, ठीक है ना, और टिकटॉक पे मुझको इतनी ज्यादा अचीवमेंट मिलती थी, इतनी ज्यादा कि स्कूल में जो मुझको घास भी नहीं डालता था, जो शायद मेरे से बात भी नहीं करता था ना भाई, वो उसका खुद मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तुषार भाई हमको प्रमोट कर दो, तुम बड़े आदमी हो गए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बट इनकी इन चीज़ों के पीछे ना एक ये चीज़ भी थी कि भाई हाँ अब फ़ायदा निकल रहा है तो भाई बंदे मेरे पास आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई टिकटॉक ने मुझको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया था। काफ़ी लोग बोलते थे कि भाई टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ बनाता है, टिकटॉक के ऊपर ट्यूटोरियल देता है, बट मैंने इन बातों को नहीं सुना। और उसके बाद सडनली मेरे साथ एक ऐसा किस्सा होता है कि टिकटॉक बैन हो जाता है। कसम से आप लोगों में बता रहा हूँ, अगर मैंने आप लोगों को कितनी बार बता रखा है, अगर इंसान अपने कंटेंट से भागता है तो भाई वो प्लेटफॉर्म भी उसका साथ नहीं देता। तो शायद मैंने यूट्यूब पे टिकटॉक के बारे में सारे ट्यूटोरियल दिए थे और एकदम से जब टिकटॉक बैन हुआ तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि अब यूट्यूब छोड़ के मैं कुछ और काम करने में लग जाऊँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई क्या करूँगा अब मैं, कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। टिकटॉक पे मुझको अचीवमेंट इतनी ज़्यादा मिल गई थी, जितने भी टिकटॉक के बारे में ट्यूटोरियल चैनल देते थे ना सबके डाउन हो गए। और भाई मैं बिल्कुल ये सोचने पड़ गया कि भाई अब क्या डालूंगा, मेरी सारी जनता शॉर्ट वीडियोस की दीवानी है, अब मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, क्या कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। मैंने सोचा यूट्यूब के बारे में बताना चाहता हूं, तो यूट्यूब के बारे में मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह आप लोगों को दिए, बट व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं अपने कॉन्टेंट से भाग रहा था, मेरे पास व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। बट वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरा कॉन्टेंट ही चला गया था, मेरे पास बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। कितने यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार सारे ये कह रहे थे कि भाई अब अकल आ गई, ये प्लेटफॉर्म का भी साथ नहीं देते, तुझे अब अकल आ गई होगी, तो इसलिए भाई कोई अच्छा सा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर, ये अपलोड कर दे, वो अपलोड कर दे। कितने मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तू क्या यार टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना रहा था, ये काम कर पबजी की वीडियोस अपलोड कर दे। भाई हम बता रहे हैं तुझे, हम बता रहे हैं, अच्छा ज्ञान वही पेलते थे जिनके खुद के यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ठीक है। बट मुझको पता था कि अगर एक ही कंटेंट पे आप बिल्कुल मेहनत करके, बिल्कुल फोकस करके अगर आप लगे रहोगे तो ज़रूर आपको एक ना एक दिन अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। उसके बाद मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, टिकटॉक पे मेरे एवरेज व्यूज़ थे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये मेरे एवरेज व्यूज़ थे। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर होगा वो जानता होगा, मेरे ऊपर वीडियोज़ बनती थी कि अगर इसकी तरह वीडियो बनानी है तो कैसे आप इसकी तरह कैसे वीडियोज़ बना सकते हो, मुझको रिएक्शन मिलते थे, मुझको इतनी ज़्यादा अचीवमेंट थी कि यूट्यूब पर नाम हो गया था। जब टिकटॉक पर मैं अपनी वीडियोज़ बनाता था ना तो कमेंट आते थे कि भाई आप लोग, आपको तो मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो एक अलग अचीवमेंट थी। और एकदम से सडनली मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं तो 1,000 व्यूज भी मेरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा कंटेंट ही चला गया था, मेरा प्लेटफॉर्म भी बैन हो गया था, मेरे पास 1,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। इतने ज़्यादा लोग ताने मार रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, देखा हमने कहा था ना ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा, ऑनलाइन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, भाई यहाँ पर जॉब कर ले, ये कर ले। उसके बाद मैंने जॉब करी भी 15,000 रुपये की। शायद आपको ये लग रहा हो कि भाई हाँ ठीक ठाक जॉब है, भाई अपना खर्चा चल जाता है, बट मुझे 15,000 रुपये की आदत नहीं थी। महीने में मैं 40,000 से 50,000 रुपये उस टाइम अर्न कर रहा था, और एकदम से 15,000 रुपये जो कि बाहर मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं थी तो वो मैंने जॉब छोड़ दी। और एक दिन मुझे सडनली इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने लाइव वीडियो बना के आप लोगों के आगे बोल दिया कि मैं अपनी किसी एक वीडियो पे 5,00,000 प्लस व्यूज़ ला के दिखाऊंगा। और आप लोग ने यकीन नहीं माना था, मुझे पता है कमेंट भी आ रहे थे कि भाई तेरी 1,000 या 2,000 व्यूज़ आ रहे तो 5,00,000 व्यूज़ कैसे ला के दिखा देगा इंस्टाग्राम रील्स पे। मैंने पूरी रिसर्च के साथ, पूरे एल्गोरिथम्स के साथ वो वीडियो अपलोड करी, और इस टाइम उस टाइम पर इंस्टाग्राम भी प्रमोट कर रहा था वीडियोज़ को, और मेरे सारे एल्गोरिथम्स की मदद से वो वीडियो आज 8,00,000 व्यूज़ पर है। मैंने वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर कि मैंने अपनी शर्त जीत चुका हूँ। काफ़ी लोगों को यकीन आया, इंस्टाग्राम रील्स चलने लगी। उसके बाद मैं कंटिन्यू लग गया इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। यूट्यूब की पॉलिसी है, शायद आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप केवल एक ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसके बाद अगर आप अपने कंटेंट से भागते हो तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होकर दिखाएगा। ये यूट्यूब की पॉलिसी है। मैं यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट गया और उसके बाद अपना चैनल ग्रो नहीं। जब मैं टिकटॉक पे अगर जितना मैं अचीव कर रहा था ना उससे 3 गुना ज्यादा आज अचीव कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल
पलट के रख दिया सिस्टम, कसम से बता रहा हूँ। आप लोग व्यूज देके कह रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाई अगर आप मेरे अर्निंग्स वगैरह, मैं कहाँ से क्या कमाता हूँ, यहाँ से इतना कमाता हूँ, अगर आप सारे जान लोगे ना तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इतना छोटा चैनल भी इतना ज़्यादा कमा सकता है। आज मैं 15,000 रुपये की जॉब किसी इंसान को भी दे सकता हूँ। तो ये बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं अपनी कोई यहाँ पर बायोपिक बनाना चाह रहा हूँ या फिर आप लोगों को भाई तारीफ कर रहा हूँ अपने आप की। मैं केवल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आप लोग मुझे देखते हो ना, काफ़ी लोग मुझको ये बोलते हैं कि भाई तू तो यूट्यूबर है, तेरे तो व्यूज़ आ ही जाएंगे इंस्टाग्राम रील्स पर, तो भाई यूट्यूबर कैसे बना मैं, कोई खिचड़ी बना के तो बना नहीं हूँ यूट्यूबर, मेहनत ही करी है। तो आप लोगों में मेहनत ही सिखाता हूँ। इंस्टाग्राम जब रील्स तब से आया है ना, कितने बंदों ने अपना अकाउंट इतनी जल्दी ग्रो कर लिया, जिनकी वीडियोस पर 1,000 व्यूज भी नहीं आते थे, जो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे, आज उनकी वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स की मदद से, और उनके अकाउंट भी ग्रो हो रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब म्यूजिकली आया था ना, काफी लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, और म्यूजिकली के जो स्टार थे ना, वो आज भाई मानव ये म्यूजिकली के स्टार हैं, और आज देख लो कितने बड़े स्टार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे किसी ने सीरियस नहीं लिया था, और आज ऐसी आप इंस्टाग्राम रील्स को सीरियस नहीं ले रहे हो। आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम रील्स इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा कि इसकी वीडियोस पता नहीं कहां कहां तक वायरल होगी, ये बहुत ज्यादा प्रमोट करने में लगा पड़ा है। तो आप लोग कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाया करो कि हम यहां पर रील्स बनाना छोड़ रहे हैं, हमारे व्यूज नहीं आ रहे। मेहनत करो भाई, मैं आपको इतने ज्यादा कॉन्टेंट, इतने ज्यादा आइडिया प्रोवाइड करता हूं, उन पर काम करो, मेहनत करो भाई। मेरी खुद देख लो आप, अगर मैं इंस्टाग्राम पर एक मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी कृष्ण जी का, जब जन्माष्टमी थी तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो पर मेरी 1,000 व्यूज़ है नॉर्मली, ठीक है। और इंस्टाग्राम रील्स पर अगर आप मेरे व्यूज़ देखोगे तो 2,00,000, 3,00,000, 60,000, 8,00,000, 1,00,000, 1.5 लाख, ऐसे ऐसे मेरे व्यूज़ आते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर। तो इंस्टाग्राम रील्स इतना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज़ करो। कभी भी दिमाग में अपने ये मत लाओ कि भाई मैं इंस्टाग्राम रील्स छोड़ रहा हूँ, मेहनत कर जाओ आज से, बिल्कुल मेहनत करो, बांध लो, दिन में 2 वीडियो अपलोड करो, 1 वीडियो अपलोड करो, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट से प्रोवाइड करो। मैंने हमेशा ये कहकर टाल दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम भी हमेशा ये कहकर टाल दो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने दिमाग में ये बात सोचो, क्या पता हमको इससे ज़्यादा अचीव करना हो, ज़रूरी थोड़ी इंस्टाग्राम रील्स पर अचीव करना, कहीं और अचीव करना होगा। मेरा मोटिव केवल आपको वायरल करवाने का, ज़रूरी नहीं आप इंस्टाग्राम रील्स पर ही वायरल हो। मेरे दिमाग में तो चलता रहता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे ही मैं आगे बढ़ाऊं। आज मैं भी आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे एक छोटी स्टोरी है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी पड़ेगी। इस स्टोरी ने मेरी भी जिंदगी बदल दी थी और शायद आपकी भी जिंदगी बदल देगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक राजा और उसका सेवक जंगल गए शिकार करने, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक राजा उसका सेवक जंगल गए शिकार करने, तो जब राजा शिकार कर रहा था ना हिरण का, तो उसका अंगूठा कट गया एकदम से। जो राजा था वो बोलता अपने सैनिकों से कि अरे पट्टी लाओ भाई, ये लाओ, ट्यूब लाओ, ये करो वो करो, भाई मेरी जो अंगूठा है वो मेरा कट चुका है। तो उसका जो सेवक था ना वो कहता मालिक जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा भड़क जाता है, कहता अच्छा मतलब मेरा अंगूठा कट गया और तू ये बात बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सैनिकों से बोलता है, सैनिक एक काम करो, इसको काल कोठरी में डाल दो और उल्टा लटका दो इसको, सारे लोगों ये ज़्यादा बन रहा है ना, मतलब जो होता अच्छे के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, सैनिक चले जाते हैं, राजा चला जाता है शिकार करने। उसके बाद राजा को मिल जाता है आदि मानव, जो वहां पर जंगल में आदि मानव रहते हैं ना, वो राजा को पकड़ लेते हैं और राजा को टांग देते हैं उल्टा। उसके बाद कहता है राजा की गर्दन चाहिए हमें, तो भाई आदि मानव तो यही करते हैं। उसके बाद उनका जो आदि मानव का जो मुखिया होता है ना, वो कहता है कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है, ये हमारे लिए खंडित है, इसको छोड़ दो। राजा को छोड़ देते हैं। अब जैसे राजा को छोड़ते हैं, राजा बिल्कुल ये सोच लेता है कि हाँ यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब वो मेरा जो सेवक था वो सही कह रहा था। राजा जाता है भगा भगा उस सेवक के पास, कहता है यार मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, मतलब तेरी वजह से मेरी जान बच गई और मैंने तेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया, ठीक है ना। तो सेवक पता क्या कहता है, मालिक जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एकदम से राजा कहता है भाई तू तो बिल्कुल पागल है, पूरा पागल है यार, मतलब भाई मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, तूने मेरी जान बचाई, मैंने तेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया और तू अभी भी कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहता है मालिक अगर तुम मुझको नहीं बेचते ना तो वो तुम्हारी जगह मुझे काट देते।